ऋतुओं के राजा का हुआ आगमन, अब होगा प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य। बसंत पंचमी पर पूरी होगी मनोकामना। बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है और बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का सूचक। इस दिन प्रकृति के सौंदर्य में अनुपम छटा के दर्शन होते हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नई कोपले आने लगती हैं। इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। नाना प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से संवर जाती है। खेतों में पीले सरसों के फूल की चादर बिछी होती है और कोयल की कू से दसों दिशाएं गूंजती हैं। इस दिन वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजन का भी दिन है। बसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। खासकर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे उत्तम है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। कुछ मान्यताओं में बसंत पंचमी को श्री कृष्ण और राधा के मिलन का पर्व भी माना जाता है। बताते हैं आपको बसंत पंचमी का महत्व। माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। सरस्वती उपासना के इसी पर्व को बसंत पंचमी कहते हैं। साल के विशेष शुभ काल में से एक होने की वजह से इसे अबोझ मुहूर्त भी कहते हैं। इसमें विवाह निर्माण कार्य जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों का वरदान पाया जा सकता है। संगीत कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी मिलता है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं वाम देवी सरस्वती के बिना त्रिवेणी पूरी नहीं होती, इसलिए त्रिवेणी में बसंत पंचमी के दिन स्नान ध्यान का बहुत महत्व माना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी में न सिर्फ मौसम में सुखद बदलाव की शुरुआत होती है, कड़कड़ाती ठंड के अंतिम पड़ाव के रूप में बसंत ऋतु का आगमन प्रकृति को बसंती रंग से सराबोर कर जाता है। मौसम का सुहाना होना इस मौके को और भी रूमानी बना देता है। प्रोग्रामिंग डेस्क AMV नेटवर्क।